नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। BTCA NM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, BTC आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से BTC NM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। BTC NM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरें और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में 8791 स्टूडेंट की जीत होगी या 32,000 NM स्टूडेंट की जीत होगी। दूसरी बात है, जो जून में काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो सारे प्रश्न का आंसर डिटेल्स में इस वीडियो में टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जो सुप्रीम कोर्ट में 8791 स्टूडेंट की जीत होगी या 32,000 NM स्टूडेंट की जीत होगी। तो दोस्तों पहले भी बता दिए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की जीत होगी, क्योंकि हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी जीत होगी और हम लोग को कोई नहीं हरा सकता है। अब आप कहिएगा सर आपके अंदर घमंड हो गया क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को जीत होगी और एक से दो हेयरिंग जाते जाते हम लोग को जीत हो जाएगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंगल मैच डबल मैच में भी वही लड़ाई लड़े और हम लोग की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग की जीत होगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस सर का जजमेंट लगाए हुए, उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है जजमेंट मिला, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ भी हम लोग को जीत होगी। ठीक है, अगर वहाँ जीत नहीं होती तो सबसे पहले सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में केस करके SLP नंबर ले लेते। बट PK साई सर स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं जो अगर आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ भी आपको हार होगी, क्योंकि यहाँ नियमावली की लड़ाई है और डबल बेंच में जो हम लोग को जजमेंट मिला उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग की जीत होगी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। दूसरा सवाल था जो सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, सर जून में काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, अगर सर जून में होगा तो जून में कब से काउंसलिंग होगा। तो हम पहले भी बता दिए और अभी भी बता दिए जून में हम लोग को काउंसलिंग होगा, ऐसा नहीं काउंसलिंग नहीं होगा, हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे। और अगर जून में काउंसलिंग नहीं होती है तो 4 जून के बाद, पहले ही बता दिए और आज लाइव में भी हम आपको बताएं, 4 जून के बाद हम लोग BTC घेराव करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के घेराव करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। शेर अगर खामोश है तो ये नहीं सोचिए शेर डर गया, तो एनी हाउ काउंसलिंग होगा, समझे? इसलिए डरना नहीं है, एक भी स्टूडेंट को डरना नहीं है, क्योंकि 32,000 NM सिस्टर के साथ उसका भाई है और भाई की पूरे टीम खड़ा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना नहीं आपको परेशान होना। तो यही दो सवाल के लिए ही अभी ये वीडियो हम बनाए, क्योंकि अभी समय नहीं था, अभी हम निकल रहे थे, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे ये दो सवाल, इसीलिए हम ये दो सवाल को लेके ही ये वीडियो बनाए। और भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। दूसरी बात हम पहले ही बता दिए, जो पहला प्राथमिकता हम लोग को है सुप्रीम कोर्ट से केस जीतना, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ना, क्योंकि सरकार को एक ऑप्शन मिल जाएगा तो काउंसलिंग करवा के भी, ठीक है, हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवा, क्योंकि डायरेक्ट बोल देगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, इसीलिए ये ऑप्शन हम लोग को जो है छोड़ना नहीं है और ऑप्शन देना ही नहीं है। इसके लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा हम आपको बता दिए और आज लाइव सेशन में ही डिस्कस किए हुए, बस सभी लोग जोर शोर से आप जो है सहयोग राशि दीजिए ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं। तो दो सवाल आप लोग के मन में चल रहा था और बार बार आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, कॉल पर भी यही सवाल पूछ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे व्हाट्सएप पे, इसलिए यह वीडियो बना दिए। अब तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और नाइट में आते हैं तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना आपको परेशान होना है। दोनों सवाल का जवाब मिल गया है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेव कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 10 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।